स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा को पता चल चुका है कि अभिमन्यु अपना सब कुछ एक एक करके खो रहा है। उसने हॉस्पिटल से भी रिजाइन कर दिया है और यही बात वो बड़े पापा को बताती भी है। वो कहती है, मेरी वजह से अभिमन्यु अपनी हर एक चीज़ को खो रहा है और इसीलिए अक्षरा अब कुछ ऐसा प्लान कर रही है जिससे अभिमन्यु वापस अपने परिवार के पास चला जाए, वापस हॉस्पिटल ज्वाइन कर ले। उसे पता चलता है कि अभिमन्यु जगह जगह इंटरव्यूज दे रहा है, इसलिए अक्षरा उस इंटरव्यूअर के पास जाती है और उससे कहती है, डॉक्टर अभिमन्यु बिरला को आप बिल्कुल भी मत रखिएगा। हालांकि वो बंदा बार बार कहता भी है, डॉक्टर अभिमन्यु बिरला नंबर वन डॉक्टर हैं, उनको तो हम रखेंगे ही, लेकिन अक्षरा उन्हें मना कर देती है। उधर दूसरी ओर मंजरी फिर से यही चाह रही है कि अक्षरा और अभिमन्यु की शादी ना हो, क्योंकि अक्षरा जब से अभिमन्यु की जिंदगी में आई है वो अपना सब कुछ खोता जा रहा है। वहाँ दूसरी ओर अभिमन्यु जाकर अक्षरा को कन्फ्रंट करता है कि ये सब तुम ही कर रही हो ना। अक्षरा कहती है, मैं क्या कर रही हूँ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अभिमन्यु कुछ नहीं कहता। दरअसल पार्थ ने मिलकर अपनी माँ को भड़काया है और वो चाहता है कि हॉस्पिटल के ही चैरिटी फंड से दूसरा हॉस्पिटल तैयार कर दिया जाए। अभिमन्यु इस बात के एकदम खिलाफ है और वो इस बात से अग्री नहीं करता, इसलिए वो रिजाइन भी कर देता है। वहाँ दूसरी ओर अक्षरा की तबीयत में सुधार है, उसका बेबी भी ठीक है, क्योंकि अभिमन्यु ने बहुत ही कड़ी तपस्या की है। महादेव से ये भी कहा है कि अगर किसी की जान जानी ही है तो आप मेरी जान ले लीजिएगा। महादेव बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और बहुत जल्द अभिमन्यु अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, जिसके बाद शो में आएगा लीप, जिसके बाद अक्षरा अभिमन्यु का ट्रैक देखने को नहीं मिलेगा, नई जोड़ी देखने को मिलेगी। अब इंतज़ार है तो बस लीप का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए हर अपडेट के लिए।